आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने वाकई सेंसिटाइज किया है कश्मीर के मसले के हवाले से लोगों को, और एक बड़ी जोरदार जानदार तकरीर उन्होंने की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी ऑडियंस जो थी वो लोकल थी, शायद मौलाना फजलुर्रहमान के ऊपर वो ज्यादा उनको फोकस करके बात कर रहे थे, जो तहफ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करें वगैरह वगैरह। आप एग्री करते हैं? देखिए जी, अगर तो तकरीर पे ही बात होती होती तो फिर यासर अरफात साहब की जो तकरीर थी, अगर जब उन्होंने की थी तकरीर, और वो हमारी हिस्ट्री में वो तकरीर जो है एक लैंडमार्क के तौर पे ली जाती है, और वहीं से यासर अरफात जो थे उनकी सारा कुछ हुआ। लेकिन जो रिज़ल्ट वो अचीव करना चाहते थे वो तकरीर के थ्रू वो कर नहीं सके। आज भी वहाँ पे जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। इसी तरह से अगर कश्मीर के इशू के ऊपर खान साहब ने तकरीर की है, तकरीर से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये देखना चाहिए कि खान साहब ने अमेरिका जाने से पहले कितने ममालिक के दौरे किए, कितने हेड्स ऑफ द स्टेट को मिले, या वो अपनी तकरीर के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन देते कि मैंने इतने हेड्स ऑफ द स्टेट से मुलाकातें की हैं, इतनों ने मेरी सपोर्ट का मुझे यकीन दिला दिया मेरी तकरीर के बाद, अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और कश्मीर के ऊपर अब ये ममालिक जो है ये स्टेटमेंट देने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में मेरी तकरीर के बाद। देखिए, तकरीर तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कर दूंगा और मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। मेरी तकरीर का मजमून अच्छा होना, मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना, मेरा कंटेंट अच्छा होना, मेरा कंपोजिशन अच्छा होना, मगर अभी मुकाबला तकरीर तो नहीं था ना। मुकाबला तकरीर तो नहीं है ना। नहीं, मगर ये लेकिन बात ये है, मैं तो ये कहूंगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। पहले तो बात ये है कि प्लेटफॉर्म वाकई इस पे आप अयूब खान की तकरीर देख लें, प्लेटफॉर्म बड़े और भी होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे ठीक है, उन्होंने जो बात की है, मैं उनकी तकरीर को एट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम मैं कहूंगा ठीक तकरीर थी। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने वो भी मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या उस तकरीर से क्या मकासद हमने हासिल किए, ये अगला दो महीने में हमारा रोड मैप क्या होगा कि अगले आइंदा दो महीनों के बीच में मेरी तकरीर के बाद मेरे साथ कितने यूरोपीय ममालिक है, आपका इतराज है कि उनको पहले जाना चाहिए था, उनको पहले जाना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था, और लाके चाहिए थी जो यूएनजीए के लिए जो ह्यूमन राइट्स के कमेटी के बीच में हमें सपोर्ट चाहिए थी वो हम हासिल नहीं कर सके, हमने क्लेम भी कर दिया। तो इट मीन तकरीर ज्यादा सॉलिड डेवलपमेंट, तकरीर फिर ज्यादा अच्छी लगती है अगर अमली पार्ट उसके साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता। जज्बात की उन्होंने नुमाइंदगी जरूर वहां पे की है। साफी साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या